हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस सीजलिंग। आज मैं आपके साथ ग्रीन चिल्ली चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी स्पाइसी एंड टेस्टी होता है ये ग्रीन चिल्ली चिकन पुलाव। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पुलाव बनाएंगे हम। इसे बनाते कैसे मैं आपको रेसिपी कंप्लीट बताऊँगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चिकन चाहिए विथ बोन्स। चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड थोड़े से ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे हम। आपके स्पाइस के हिसाब से आप ग्रीन चिलीज ऐड कीजिएगा। सो यहाँ पे ग्रीन चिलीज डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, नेक्स्ट कर्ड, हाफ कप के जितना कर्ड लीजिएगा। कर्ड डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। हाफ लेमन जूस को मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रही हूँ। सो लेमन डालने के बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए हाफ एन आवर रख देंगे। नेक्स्ट एक पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए ब्लैक पेपर्स, 1 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर्स, ग्रीन चिलीज, यहाँ पे हम स्पाइसी बना रहे हैं ग्रीन चिलीज एंड मिंट लीव्स एंड हरा धनिया। इन तीनों को मिक्सी जार में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट की तरह बना के साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें होल गर्म मसाला स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो स्पाइसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे रख के पका लेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स यहाँ पे मैं ऑनियंस ऐड कर रही हूँ। 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड किया है। ऑनियंस का कलर अच्छे से चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। पिंकिश कलर इज इनफ। पिंकिश कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। स्पेशल जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आपको मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मिल जाएगी। सो स्पेशली ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बिरयानी या पुलाव में ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे रख के पका लेंगे ताकि मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स होकर पक जाए। सो यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे रख के पकाने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के जितना हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने मैरिनेट करते वक्त ही। नमक एंड रेड चिली पाउडर ऐड किया है। सो चेक करके कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप चेक करके ऐड कर सकते हैं नमक एंड रेड चिली पाउडर को। सो ये अच्छे से पक रहा है। हमने जो पेस्ट बनाया था ना ग्रीन पेस्ट, वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज एंड मिंट लीव्स पेस्ट है ये। काफ़ी फ्लेवरफुल होता है पेस्ट ये एंड स्पाइसी भी बनेगा क्योंकि हमने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया था। सो ये पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कर्ड में भी ऑलरेडी वाटर होता है एंड चिकन सॉफ्ट होने तक भी इसका जो भी वाटर है वो आके ड्राई हो जाएगा। सो इसे डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे पकने देते हैं। जैसे ही चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी चावलों को सोक करके रख लिया था 15 मिनट्स तक। सो यहाँ पे मैं सोक किया हुआ चावल ऐड कर रही हूँ। आप बासमती चावल या फिर रेगुलर चावल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। सो चावल भी ऐड करने के बाद 2 मिनट्स तक हम इसे हाई फ्लेम पे रख के पका लेंगे। ऐसा करने से चावल अच्छे से बनेगा। सो देखिए ये अच्छे से पक रहा है। यहाँ पे मुझे नमक कम लगा सो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ एंड थोड़े से हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, अच्छे से फ्लेवर आएगा। सो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप मेजरमेंट के हिसाब से पानी लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। देखिए इस ग्लास से मैंने 1 ग्लास ऑफ चावल लिया था। 1 ग्लास ऑफ चावल के लिए 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। सो पानी डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही काफ़ी है। नमक एंड मसाला चेक करके
आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो देखिए ये अच्छे से पक रहा है, अब हम इसका लिड कवर करके इसे 3 विजल्स तक हम हाई फ्लेम पे रख के पका लेंगे। 3 विजल्स हाई फ्लेम पे, 2 विजल्स लो फ्लेम पे। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप देखिए चिकन पुलाव तो परफेक्टली डन है। देखिए इसका चिकन भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है एंड चावल भी हमारे परफेक्टली बने हैं। देखिए वाओ, इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे सर्व कर लूँगी। देखिए एक प्लेट में निकाल रही हूँ मैं, ये कितना परफेक्ट बना है एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है एंड स्पाइसी फ्लेवरफुल भी होता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे कर्ड रायता या फिर ब्रिंजाल करी के साथ सर्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी टेस्टी, सिर्फ 10 मिनट्स में आप इस टेस्टी पुलाव को बना सकते हैं।